नमस्ते एनबीटी स्पोर्ट्स में आपका स्वागत। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के लिए मेगा ऑक्शन होने वाला है। इसके लिए फ्रेंचाइजी कितने खिलाड़ियों को रिटेन करेगी, यह अभी तक तय नहीं किया गया। इसी बीच अब खबर आ रही है कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत अगले सीजन में अपनी टीम का साथ छोड़ सकते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद से ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम में उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। हाल ही में टीम के मुख्य कोच रिकी पॉन्टिंग को हटाया गया, वहीं अब खबर है कि कप्तान ऋषभ पंत भी अपनी इस टीम का साथ छोड़ने वाले हैं। रिपोर्ट की माने तो ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग्स में जा सकते हैं। माना जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के बाद पंत उनकी जगह लेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल से अलग होते हैं तो फिर उनकी जगह कौन से ऐसे तीन खिलाड़ी हैं जो इस टीम में आने के लिए सबसे बड़े और मजबूत दावेदार हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है चैंपियन कप्तान रोहित शर्मा का। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे सफल कप्तानों में से एक रोहित शर्मा 18वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ सकते हैं। रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल में चैंपियन बना चुके हैं, लेकिन अचानक उन्हें कप्तानी से हटा दिया। ऐसे में यह माना जा रहा है कि रोहित शर्मा आगामी सीजन में मुंबई का साथ छोड़ सकते हैं और पूरी उम्मीद है कि दिल्ली कैपिटल्स रोहित शर्मा जैसे चैंपियन कप्तान को अपनी टीम में शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। दिल्ली कैपिटल्स की रडार पर जो दूसरे खिलाड़ी होंगे उसका नाम है सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, यह हैरान करने वाला नाम तो जरूर है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम जरूर चाहेगी कि सूर्या ऋषभ पंत की जगह उसकी टीम में आए। ऋषभ पंत की जगह सूर्य कुमार यादव भी दिल्ली कैपिटल्स की नजरों में जरूर है। सूर्या को हाल ही में टीम इंडिया का T20 कैप्टन नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मुंबई इंडियंस में हार्दिक के कप्तान बनने के बाद से यह चर्चा तेज हो गई थी कि सूर्य कुमार यादव भी मुंबई इंडियंस से खुद को अलग कर सकते हैं। मेगा ऑक्शन से पहले अगर ऐसा होता है तो इसकी पूरी संभावना है कि दिल्ली कैपिटल्स सूर्य कुमार यादव को भी अप्रोच करने से नहीं चुकेगी। इस लिस्ट में तीसरा नाम है केएल राहुल का। दिल्ली कैपिटल्स का तीसरा हॉट पिक केएल राहुल हो सकते हैं। केएल राहुल पिछले सीजन तक लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान रहे। आईपीएल के 17वें सीजन में टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद फ्रेंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका ने उन्हें सरेआम डांट भी लगाई थी। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि केएल राहुल भी लखनऊ से अलग हो सकते हैं। हालांकि उनके लिए दिल्ली के अलावा आरसीबी की टीम भी रेस में है। ऐसा माना जा रहा है कि केएल राहुल अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी आरसीबी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली की टीम भी राहुल को अपने साथ जोड़ने की कोशिश जरूर करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खेल से जुड़ी अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे यानी एनबीटी स्पोर्ट्स के साथ।